वेलकम बैक दोस्तों, मैं के विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे यूथ कमीशन टाइम्स की जो बुक है हमारी 2022-23 उसी बुक का यहां पे सोल्यूशन चल रहा है। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं या दोस्तों पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 4। इसके पहले दोस्तों हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का यानी कि 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसी पार्ट से हमारा इस चैप्टर का भी द एंड हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा और अगला हम लोग दोस्तों नेक्स्ट कोई चैप्टर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस पार्ट में हम लोग टोटल 151 नंबर से लेकर के 202 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो रिसीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको एक चीज ये भी बता दूं कि ये जो यहाँ पे इस यूथ कमीशन टाइम की जो बुक या मैथ सॉल्व करवाई जा रही है, इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि रीजनिंग की बुक का भी हम लोग सोल्यूशन बहुत ही जल्दी करना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाली इसी वर्ष जो रेलवे की वैकेंसियां हैं, जैसे कि दोस्तों इस वर्ष जो रेलवे की वैकेंसी आएंगी, रेलवे ALP की खासकर आएगी और दोस्तों TT की वैकेंसी आएंगी, रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड भी वैकेंसी आएंगी और भी रेलवे में अदर पोस्ट से भी वैकेंसियां आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि जिन बच्चों का इस वर्ष रेलवे में सिलेक्शन ना हुआ हो किसी कारणवश, तो वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो और इस बार जो रेलवे की वैकेंसियां आने वाली हैं उनमें अपना एक सीट सुनिश्चित कर लें। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अभी से आप लोग अपनी कमर कस कर लीजिएगा और अपनी तैयारी बराबर निरंतर करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि दिया गया है 1.008 का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा है 1.008, इसका वैल्यू फाइंड आउट जो हम लोग निकालेंगे इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों कैसे निकालना आप सबको पता होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट जो लगा है 008, हमने पॉइंट को हटाया, नीचे एक बना लिया, आगे जितने भी अंक हों उतने हमने जीरो बना लिया। तो कहीं ना कहीं देखें दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 1008 बन जाएगा, अपान का दोस्तों ये हमारा 1000 हो जाएगा। इसको अगर 2 से हम कट कर दें तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 × 0 = 0 हो जाएगा, 2 × 4 = 8 बन जाएगा और इसको कट करेंगे 2 × 5 = 10 और यहाँ पे 00 हो जाएगा। अब और भी अगर इसको हम कट करते हैं तो ये हमारा 2 से और भी अभी कट जाएगा, 2 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 ये भी बन जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे अपान का क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 0 हो जाएगा। अभी भी अगर हम देखें तो और अभी हमारा ये 2 से कट सकता है तो हमने कट कर दिया, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 और यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 126/125 आ जाएगा कुल मिलाकर के। अब अगर इसको हम सही बटे में निकालें तो ये बन जाएगा हमारा 1/125 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा ए के साथ। तो 151 का देखें तो यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट बनेगा और अगला हम लोग देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है, कह रहा एक्स का वैल्यू, एक्स बराबर दिया गया है 63.5535, अपान का 13.05 में एक्स का मान फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा एक्स का मान जो दिया गया है हमारा यहाँ पे 63.5 और फिर यहाँ पे 3.5, अपान का दोस्तों करेंगे हम यहाँ पे 13.05 लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा हम अगर इसको पॉइंट हटाएंगे और इसका भी पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 4 दशमलव के बाद 4 अंक है, नीचे 2 अंक है, तो बराबर करने के लिए नीचे हमने 2 जीरो और बना दिया। अब 2 जीरो और बना देंगे दोस्तों तो हमारा जो फाइनली ये बन जाएगा कुल मिलाकर के ये आ जाएगा हमारा 63.55 और यहाँ पे 35 हो जाएगा। अपान का दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाएगा 13.05 और यहाँ पे 00। अब अगर इसको हम कट करें दोस्तों ये किससे कट जाएगा आपको ये बात बतानी है या ये बात ध्यान रख देना है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं दोस्तों इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 63.55 और यहाँ पे 35, अपान का दोस्तों हमने यहाँ पे लगा दिया 13.05 गुणे, ये 00 है तो गुणे करके हमने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब 1305 का भाग हम इसमें दे देते हैं, जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 1305 का भाग जब इसमें देंगे तो जो हमारा वैल्यू बन जाएगा, इधर देख लीजिएगा जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1305 में भाग देने पे 487 बन जाएगा और नीचे हमारा यहाँ पे 100 तो दिया ही है। अब दोस्तों 2 अंक बाद दशमलव अगले स्टेप में हम रख देंगे तो यहाँ बन जाएगा 4.87 बन जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि देखा जाए तो 4.87 यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा।
यानी कि देखा जाए तो बी के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 152 के बाद दोस्तों 153 नंबर, और 153 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा, दिया गया है 2334/33.1 दिया गया है, इसका वैल्यू बता दिया गया है 261 आएगा, तो हमको यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है 23.34 अपान का दोस्तों यहाँ पे 3.31 दिया गया है। अब दोस्तों देख लीजिए, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद दो अंक हैं, यहाँ भी दशमलव के बाद दो अंक है, तो हमने ये और ये दशमलव दोनों को कट कर दिया, तो जो इसका वैल्यू आएगा हम इसको आगे इस प्रकार लिख सकते हैं 23/34/331 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं दोस्तों। अब हमको बनाना क्या है, यहाँ पे कुल मिलाकर के यहाँ पे दशमलव लगाना है, तो दशमलव हमारा कितने अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, अगर इसका हम यहाँ पे भाग दे देंगे तो ये वैल्यू जो हमारा बन जाएगा कुल मिलाकर के दोस्तों, इसमें अगर हम ऐसा कर दें, यहाँ पे हमने 1/10 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितने दोस्तों मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर हम जो ये पॉइंट लगा है, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा करके, देख लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है, हमको इतने का मान पता है 261, तो अगर इसको हम इस प्रकार कर दे, देख लीजिएगा 23/34 हमने वही लिख दिया, अपान का जो 331 लिखा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया 33.1 लिख दिया, और गुणा अपने आप से हमने 10 कर दिया, अगर 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा 331 ही आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इतने का वैल्यू हम जानते हैं, इतने का वैल्यू हमको पता है दोस्तों कितना है, इतने का वैल्यू दिया गया है 261, तो यहाँ पे हमने रख दिया 261, नीचे हमारा क्या दिया गया है 10, तो एक अंक बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, तो 261 जो लिखा था तो 26.1 हो जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 26.1 यानी कि ऑप्शन हमारा 153 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 153 के बाद दोस्तों 154 नंबर, और यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में दे दिया गया है 23 और 19 का मल्टीप्लाई करने पे कह रहा आएगा 437 आएगा, तो हमको बताना है 0.0437 और डिवाइड यहाँ पे 1.9 दिया गया है, हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको इस प्रकार लिख दें 0.0437 और जो भाग का सिंबल, इसको हमने गुणक सिंबल बना करके ये नीचे आ गया 1.9 आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम ये जो पॉइंट लगा है तो पॉइंट को हमने हटा दिया, और आगे चार अंक हैं, यहाँ पे पॉइंट नीचे को हटा दिया, आगे हम यहाँ पे 30 और बना दें, तो पॉइंट के बाद इधर भी चार अंक हो जाएंगे, पॉइंट के बाद इधर भी चार अंक हो जाएंगे, तो अब यहाँ से हमारा क्या बन गया, कुल मिलाकर के बन गया 437/, इसको हम लिख सकते हैं 437/ यहाँ पे 19×1000, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब दोस्तों देख लीजिए इसको हम क्या लिख और क्या कर सकते हैं, इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको बता दूं कि इसको जो हम करेंगे तो इसको यहाँ पे 437 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा 437 का वैल्यू हम क्या लिखा, 23×19 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इस 437 को लिख दें 23×19 लिख दें, और अपान का जो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 19×1 बना करके यहाँ पे 30 थे हमने वो बना दिया, तो 19 से 19 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो आ जाएगा 23/ दोस्तों हमारा क्या बचेगा 30, तो तीन अंक बाद दशमलव हम लगा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 23, इधर एक जीरो और बना देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 0.023 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 0.023 यानी कि 154 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 154 के बाद दोस्तों 155 नंबर, और 155 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे दिया गया 17×29 बराबर हमारा दिया गया है 493 दिया गया है, तो अब दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है हमारा ये 1700 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.00 यहाँ पे 29 लिखा हुआ है, हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे करना दोस्तों आप लोगों को देख लीजिएगा, मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है, अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कुल मिलाकर के दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा लिखा है 17, तो हमने 17 लिख दिया, और आगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे 100 लिख देते हैं, और फिर दोस्तों मल्टीप्लाई यहाँ पे जो लिखा 0.0029 लिखा है, तो हमने इसका पॉइंट हटाया और नीचे लिख दिया 1 बना करके, आगे हमने 4 अंक है तो 40 हमने बना दिया, तो अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 17 लिख दिया, और ये जो हमारा ऊपर 29 बचेगा तो हमने यहाँ पे 29 लिख दिया, और यहाँ पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये 100 से
इतना 100 हमारा कट जाएगा, नीचे हमारा क्या बच जाएगा, एक 100 और बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों हमारा, एक ही 100 और बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुल मिलाकर के इतने बटे क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब आपको दोस्तों पता है 17 × 29 का वैल्यू कितना है, 493 है। तो इतने के जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं दोस्तों 493 रख देते हैं, और अपान का दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, 100। अब नीचे 100 है तो दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 4.93 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखें दोस्तों तो हमारा 155 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 155 के बाद दोस्तों हम लोग 156 नंबर, और 156 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि 493 और डिवाइड यहाँ पे दिया गया है 29, इसका वैल्यू बता दिया गया दोस्तों 17 बता दिया गया, ठीक है ना। अब हमको वैल्यू निकालना है दोस्तों 4.93, और यहाँ पे जो डिवाइड बना है डिवाइड लिख दिया, और यहाँ पे लिखा 0.0017 लिखा हुआ है, हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख लीजिएगा इसको कर क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दिया 4.93 अपान का 0.0017 लिख दिया, पॉइंट के बाद ऊपर दो अंक हैं, यहाँ पे चार अंक हैं, तो दो अंक बराबर करने के लिए, यानी कि चार चार अंक बराबर करने के लिए, तो ऊपर हमने दो जीरो बना दिया, तो चार अंक बराबर हो गए ऊपर भी और नीचे भी हो गए। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 493 गुणे यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, और अपान का यहाँ पे हम लिख सकते हैं केवल 17, यानी कि 17 लिख सकते हैं। अब इतना हो गया। अब दोस्तों और आप लोग जान लीजिएगा, अब आगे इसी प्रकार ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया इसको देख लीजिए, मैं इधर करके दिखाता हूं। यहाँ पे जो 493 लिखा हमने 493 वैसे लिख दिया, और अपान का हमारा यहाँ पे हो जाएगा 29 बराबर यहाँ पे हम लिख दिया 17 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें यहाँ पे तो हमारा बन जाएगा दोस्तों क्या बन जाएगा, ये 493 बराबर यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई हमारा 29 हो जाएगा। अब अगर दोस्तों 17 और 29 का अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो देख लीजिए क्या 493 होता है, 17 मल्टीप्लाई अगर आप 29 करेंगे तो दोस्तों ये 17 और 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 493 यानी कि 493 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक बात ये पता चल गई कि ये जो 493 है यहाँ से इस 493 की जगह पे हम क्या रख दिया 17 × 29 भी लिख सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे रख दिया, इस 493 की जगह पे हम रख दिया 17 × 29 रख दिया, और आगे जो हमारा 100 लिखा हमने 100 लिख दिया, अपान का दोस्तों जो लिखा 17 तो हमने 17 लिख दिया दोस्तों, 17 से 17 हमारा कट जाएगा, फाइनली जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 29,00 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो ऐसा हमारा ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो 156 का हमारा दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 156 के बाद दोस्तों 157 नंबर, और 157 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा दिया गया, कहा गया है कि 23 × 31 यानी कि यहाँ पे बता दिया गया 23 × 31 की जो वैल्यू है 713 दी गई है, ठीक है। हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करना है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे फाइंड आउट करना 0.0713 मल्टीप्लाई नहीं दिया गया दोस्तों, यहाँ पे डिवाइड दिया गया है, ठीक है ना। हमको मल्टीप्लाई नहीं बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, डिवाइड का सिंबल बनाना है। तो हमने दोस्तों यहाँ पे क्या बना लिया, डिवाइड का सिंबल बना लिया, और आगे लिख दिया 3.1 लिख दिया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 713 बटे हो जाएगा हमारा 3.1 लिख दिया, और आगे यहाँ पे दोस्तों 0 और यहाँ पे 0 लगा, इतना लिखा था जैसे हमने वो लिख दिया वैसे ही, जैसे था वैसे लिख दिया, और नीचे अपान में इसको कर दिया। अब अगर दोस्तों देख लेते हैं दशमलव के बाद के इधर चार अंक हैं और यहाँ पे हमारा एक अंक है, तो इसको भी चार अंक बनाने के लिए हम 3 0 बनाएंगे। तो ये बन गया दोस्तों हमारा कुल मिलाकर के 713 अपान का 31 यहाँ पे 000 बन गया। तो अब हम इसको और दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं 713 अपान का 31 × 1 बना करके यहाँ पे हम 3 0 अलग कर दिया, गुणा कर देंगे दोस्तों तो वही हमारा 31,000 ही हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये 713 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, ये 713 की वैल्यू क्या दी गई, 23 × 31। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 713 जैसे लिख देंगे 23 × 31 लिख देंगे, हमने 23 × 31 लिख दिया, और अपान का जो हमारा दिया गया है 31 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1000, तो 31 से 31 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा 23 बटे यहाँ पे बचा 1000। अब भाग देंगे तब दोस्तों तुम्हारा 3 अंक बाद दशमलव जाएगा, 0.023 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा 157 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 157 के बाद दोस्तों हम लोग 158 नंबर देखते हैं, और 158 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दी गई चार भिन्न में से कौन सी भिन्न 7/12 से बड़ी हो लेकिन 11/16 से छोटी हो। तो ठीक है दोस्तों 7/12 से कहा, तो हम पहले 7/12 जो दिया गया है 12 का भाग हम 7 में देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 0. यहाँ पे 17 हो गया, तो 12 60 हो जाएगा, बचा हमारा दोस्तों 10, तो 100 हो गया,
तो 12 अट्ठे 96 यानी कि समथिंग हमारा 0.58 आ जाएगा। अब अगर 11/16 को विभाग हम दे देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0. ये 110 हो गया, तो 16 छक्का 96 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 6 बार जाएगा और 4 और 140 बचा, तो 16 अट्ठे 128 यानी कि हमारा समथिंग 0.68 आ जाएगा। ठीक है, अब कहा गया है ऑप्शन में, तो अगर यहां से हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, 50 हम लगा सकते हैं। ठीक है, हम आगे अब बी ऑप्शन ले लेते हैं, बी में दिया गया है 5/8, तो इसको हम ले सकते हैं 0.48 और फिर यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 49 50, 2 बचा, 8 2 16, दोनों को तक हम निकालेंगे। अब ऐसे ही ऑप्शन सी ले लेते हैं, सी दिया गया दोस्तों हमारा 7/8, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0. ये 70 हो गया, तो 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, और 64 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना बचा, 64 6 बचा, 60 हो गया, 8 7 56 हो गया। ठीक है, 7 बार गया, दो अंक निकाले। अब हम ऐसे ही दोस्तों डी ऑप्शन ले लेते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा दिया गया है 3/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8 3 24 हो जाएगा, बचेगा 6 और 8 7 हो जाएगा 56, हमारा 0.37 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कहा गया था कि कौन सी भिन्न है जो 7/12 से बड़ी हो लेकिन 11/16 से छोटी हो, यानी कि इससे बड़ी हो, 58 से बड़ी हो, यानी कि 68 से छोटी हो। ऐसा देखते हैं, 58 से बड़ी दोस्तों हमारा 62 हो जाएगा, लेकिन हमारा 68 से दोस्तों छोटा हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है दोस्तों, बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 158 का बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 158 के बाद दोस्तों 159 नंबर, और 159 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब दोस्तों ए ऑप्शन अगर हम लेके देखते हैं, यहाँ पे हमारा 9/16 दिया गया है, 9/16 का यानी कि 16 का भाग करेंगे तो 0.90 हो गया, 16 5 80 हो जाएगा और बचा 10 100 हो गया, 16 5 80 और 16 5 80 और 16 6 96 यानी कि 0.56 हो गया। और फिर उसके बाद दोस्तों हमारा लगा है यहाँ पे लेस देन इक्वल, अब हम 24 का भाग जब 13 में रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे आ जाएगा 4। दोस्तों देख लीजिएगा क्या ये सही लगा है, बिल्कुल गलत लगा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 0.56 बड़ा है, 0.54 छोटा है, लेकिन इधर के लिए कह रहा है ये बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो पॉइंट हमारा हो गया गलत हो गया। ठीक, इसको हम कट कर देंगे। बी ऑप्शन लेके देखेंगे दोस्तों, तो बी ऑप्शन में हमारा दिया गया है 9/16। अब 9/16 अभी देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 9/16, अभी 9/16 को हल करने पे क्या आ गया है, हमारा 0.56 आ गया है यहाँ पे ग्रेटर देन, और 13/24 को भी हल करने पे देखिए, 13/24 ये था, 13/24 ये है, इसको हल करने पे आया कितना, 0.54 आया। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कि सही हमारा जो ग्रेटर देन 0.56 की तरफ है, बिल्कुल सही है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कह रहा इक्वल है तो इक्वल तो नहीं है, और अगर इसको देखेंगे तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो कुल मिला के ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन, 160 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटा ज्ञात करें, दशमलव में से सबसे छोटा ज्ञात करें, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 1 1, यानी कि 1 हमारा आएगा और 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 2 अंक हो गया, तीसरा अंक हो गया, यहाँ पे हमने इतना लिख दिया, ये तो हो गया ऑप्शन ए का। अब ऐसे ही ऑप्शन बी का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, भाग देने पे कितना आ जाएगा हमारा 0.01 आ जाएगा। और सी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आ जाएगा, भाग दे देंगे दोस्तों तो हमारा बन जाएगा कुल मिलाकर के यहाँ पे अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2 का भाग ही दे देते हैं, तो यहाँ पे भाग देने पे बन जाएगा दोस्तों हमारा 0.0 और फिर यहाँ पे 0 और 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सी आ गया। डी अगर देखें तो डी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 4 1 9 4 हो जाएगा, कितने अंक दशमलव लगाएंगे, 2 1 3 1 4 अंक दशमलव लगाएंगे, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.0004 हमारा ये हो जाएगा। कहा है सबसे छोटा ज्ञात करें दोस्तों, तो सबसे छोटा अगर देखा जाए तो यही हमारा क्या हो जाएगा,
सबसे छोटा बन जाएगा, यानी कि ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद चार वाले अंक पद हैं, यहाँ पे तीन ही पद हैं, यहाँ पे दो पद हैं, यहाँ पे तीन पद है, सबसे छोटा चार पद वाला यानी कि डी है। तो देखा जाएगा तो हमारा यहाँ पे 160 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 160 के बाद दोस्तों 161 नंबर, और 161 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मल्टीप्लाई करेंगे दो दोनों चार दोनों आठ हो जाएगा, यहाँ पे हमने आठ रख दिया। तीन अंक बाद हम लगाएंगे दशमलव दोस्तों, तो हमने तीन अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा दिया, ये तो हो गया ऑप्शन ए हो गया। अब ऐसे ही आगे ऑप्शन बी करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जीरो पॉइंट, और यहाँ पे फिर जीरो हो जाएगा, ये 20 हो गया। और फिर दोस्तों आगे हम यहाँ पे जब भाग देंगे तो ये हमारा वैल्यू बन जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो पॉइंट, यहाँ पे तीन दूना यानी भाग नहीं जाएगा तो हो जाएगा 20, यहाँ पे हमने एक बार जीरो लगा दिया और तिछंग 18 हो जाएगा, तो समथिंग इतना आ जाएगा। अब आगे देखेंगे इसका जब भाग देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन में आ जाएगा 0.0, और यहाँ पे फिर 0, 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर ऐसे इसका डी ऑप्शन देखेंगे तो डी में आ जाएगा हमारा 2 दूना 4 एकन्नम 4, यहाँ पे हमने 4 रख दिया, और कितने अंक बाद दशमलव, 2 1 2 2 1 तीन अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे 1 2 3 अंक हो जाएंगे यहाँ से, ये हो गया। यहाँ पे पूछा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, दोस्तों सबसे छोटी संख्या अगर आप देखेंगे तो 0.08 ये भी बड़ा है, 0.06 ये भी बड़ा है, 5, यानी कि ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 0.004 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 161 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए ये आरआरबी एनटीपीसी के 31/3/2016 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 162 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि ऐसी भिन्न ज्ञात करें जो 4/7 से बड़ी तथा 5/6 से छोटी हो। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना है, 7 का भाग 4 में देना है, जो पॉइंट में वैल्यू निकाल लीजिएगा, और 6 का भाग आपको 5 में देना है, इसका भी वैल्यू पॉइंट में निकाल लीजिएगा, और फिर इन सारे वैल्यू को जो हमारा ए बी सी डी दिया गया इनका भी भाग देकर के पॉइंट में वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो 4/7 से इसमें बड़ा आ जाए और 5/6 से छोटा आ जाए, वही आप आंसर को क्या करेंगे, टिक करेंगे, बस वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एलपी के टेक्नीशियन में 10/8/18 को 10/8/2018 में शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि आप कैसे भी कर सकते हैं, जब कभी भी इस प्रकार दो भिन्न दी जाए तो इन दोनों भिन्नों का हम योग करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों का योग करके 2 का भाग दे दिया जाता है, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वही हमारा इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए करके मैं आपको दिखाता हूं इस टाइप से भी, यहां पे अगर 7 और 6 का एलसीएम करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 7×6 42 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 6×6=24, इधर हो जाएगा 7×5=35 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, पूरे का बटे हम लगाएंगे 2, अब 24 और 35 जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 24 35 ऐड करने पे 5×4 हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3×2 5 हो जाएगा, यहाँ पे कुल मिला के 59/42 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 है दोस्तों तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/1, इसको अगर हम मान लेंगे तो ये बन जाएगा संख्या आपस में पलट जाएंगे तो 1/2 बन जाएगा। अब अगर इनको हल करेंगे तो ये 59/ हमारा कितना हो जाएगा, 42×84 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 162 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे 162 के बाद दोस्तों 163 नंबर, और 163 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है, यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बताया गया है, एक संख्या ये बताई गई है, दूसरी संख्या ये बताई गई है, तो आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पहली संख्या हमको एक पता है 1.6 पता है, दूसरी संख्या हमने मान लीजिए x मान लिया, और इन दोनों का गुणनफल हमको पता है 0.432 पता है, हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 0.432 वो रख दिया, और उसके बाद दोस्तों अपान का हमारा 1.6 आ जाएगा, पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर आगे हमारे तीन अंक है, यहाँ पे एक अंक है, तो यहाँ पे 2 जीरो और बना लिया, तो क्या हो गया हमारा वैल्यू, ये हो गया बराबर हो गया, तो यहाँ पे बन गया 432 अपान का हमारा बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे 16×0 बन जाएगा। 16 का भाग अगर हम देंगे तो 16×2=32 हो जाएगा, यहाँ पे 16×2=32, 8×2=10 बचा 16 दोस्तों, यहाँ पे हम कुल मिला के जो भाग देंगे, जो भाग देने पे जो वैल्यू आ जाएगा इसका
16 का अगर हम भाग देते हैं, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, या 4 से आप कट कर लीजिएगा। 4 से अगर इसको हमने कट किया दोस्तों, देख लीजिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 0 0 4 8 32 हो गया, यहाँ पे 4 चौक 16 और यहाँ पे 00 हो गया। वापस से 4 से भी हमारा कट जाएगा तो हमने 4 से और कट कर दिया, तो 4 2 8 4 7 28 और यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, यानी कि यहाँ पे 100 आ जाएगा, कुल मिलाकर 27 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 0.27 इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर। देखा जाए दोस्तों तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 163 के बाद 164 नंबर, 164 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बात आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों अगर इसको सही देखने के लिए अगर हम देखें तो 6 और 12 मान लीजिए, यहाँ पे हमारा 29/6 दिया गया है और इधर हमारा 35 है दोस्तों, 53/12 दिया गया है, तो 6 और 12 का एलसीएम कर लेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 12। तो यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दें, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दें तो हर बराबर हो जाएगा, तो 29 दूना हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बराबर लगा लीजिएगा, हम ऑप्शन ए लेकर चल रहे हैं, 29 दूना हमारा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, हो जाएगा 58 हो जाएगा, अपान का 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर लगा है 53 अपान का दोस्तों यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये बराबर तो है नहीं, इसका मतलब दोस्तों हर बराबर है, यानी कि कौन बड़ा हो जाएगा 58, यानी कि ये हमारा बड़ा हो जाएगा 12 छोटा, तो यानी कि इधर बड़ा हो जाएगा, ये हमारा 53 और यहाँ पे 12, इस प्रकार का दोस्तों देख लीजिए सिंबल हमारा कौन सा मैच कर रहा है। अब 58 अपान का 12 हमारा किसकी वैल्यू थी, 29/6 की वैल्यू थी, यानी कि 29/6 हमारा ग्रेटर देन होगा, और यहाँ पे हमारा देख लिया जाए तो 53/12 हमारा लेस देन होगा 29/6 से। तो ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, 29/6 53/12 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, उसमें पहले वाले में तो 43 दिया था और एक में 53 दिया है और सभी में दोस्तों क्या दिया गया है, 43 दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भी हमारा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये 43 भी रहेगा तो 58 ही बड़ा हो जाएगा, तो भी हमारा यानी कि ऑप्शन हमारा देखें तो 164 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 164 के बाद दोस्तों हम लोग 165 नंबर, और 165 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि किस भिन्न का, मान लीजिए कोई भिन्न रही होगी जिसका कह रहा निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है, मान लेते हैं वो भिन्न हमारी रही होगी x/y रही होगी, इसका जो x/y का अनुपात 1/27 के साथ जो है वही हमारा अनुपात किसके साथ हो जाएगा दोस्तों, वही हमारा कह रहा है अनुपात 3/11 का अनुपात 5/9 के साथ है। यहाँ पे दोस्तों हल कर लीजिए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे किया क्या जाएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पे हम जानते हैं बाह्य पदों का मल्टीप्लाई बटे आंतरिक पदों का मल्टीप्लाई, यहाँ पे बाह्य पदों का गुणनफल और यहाँ पे ये आंतरिक पदों का गुणनफल, आप अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा x/y मल्टीप्लाई यहाँ पे 5/9 बराबर दोस्तों यहाँ पे हमारा 3/11 मल्टीप्लाई 1/27 हो जाएगा, 3 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 9 टाइम में कट जाएगा और ये तो हमारा कटेगा नहीं, तो कुल मिलाकर के ये हमारा हो जाएगा x/y और यहाँ पे हमारा ये 1/ कितना बचा 99 हो जाएगा और ये जो 5/9 है तो ये 9 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे हो जाएगा, 9 से ये हमारा 11 टाइम में कट जाएगा, तो ये x/y का जो वैल्यू आ जाएगा 1/11/55 हो जाएगा, यानी कि 1/55 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखा जाएगा दोस्तों तो 165 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 165 के बाद दोस्तों 166 नंबर, और 166 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसको 3 सही 2/3 प्लस का 6 सही 7/12 प्लस 4 सही 9/36 प्लस 5 प्लस का 7 सही 1/12 में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण संख्या हो, हमको ये बात बतानी है। कह रहा है यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या या भिन्न ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम पहले क्या कर लेते हैं, इनको योग कर लेते हैं, ये जो संख्याएं दी गई हैं इनको हल करेंगे, 3 3 9 2 11/3 हो जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा 11/3 प्लस का 12 6 72, अब 72 7 हो जाएगा हमारा 79 अपान का 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो 36 चौको दोस्तों यहाँ पे कर लीजिएगा, 36 मल्टीप्लाई जब 4 करेंगे और प्लस का 9 तो 4 6 24 की 4 हासिल लगा 2 4 3 12 2 14 14 में हम यहाँ पे दोस्तों 7 और ऐड कर देंगे,
तो यहाँ पे 36 चौको मल्टी यहाँ पे प्लस 9 ऐड किया जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 4 1 5 1, 153 बटे हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, 153 बटे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 36, और प्लस का दोस्तों हमारा 5 बटे 1 हो जाएगा, और 12 7 84 एक 85 हो जाएगा, 85 बटे 12 बन जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम कर लेंगे। अगर एलसीएम करेंगे दोस्तों तो हमारा 36 एलसीएम आ जाएगा। 36 एलसीएम आने के बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 3 से हम 36 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 12। अब 12 गुणे 11 करेंगे दोस्तों तो हमारे यहाँ पे 12 गुणे 11 करने पे कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 2 3 132 आ जाएगा। अब दोस्तों 132 तो हमारा ये यहाँ पे हो गया, और 12 3 36 तो 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2 3 7 21 22 23, यानी कि 237 हो जाएगा, प्लस का 153 ही रहेगा, यहाँ पे 36 36 हो जाएगा, और प्लस का 36 का जब मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180 हो जाएगा। 12 3 36 तो 3 का मल्टीप्लाई हम 85 में कर देंगे, 12 7 84 85, 85 है दोस्तों, तो 85 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15 की 5 हासिल लगा दोस्तों हमारा 1 3 8 24 1 25, यानी कि 255 हो जाएगा। इन सबको जब दोस्तों ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 3 8 8 2 10 7 17, यानी कि 17 के हमने 7 रख दिया, कैरी हो गया हमारा 1, तो 5 1 6 8 6 14 14 5 हमारा हो जाएगा 19 19 3 हमारा हो जाएगा 22, 19 3 22 22 3 हो जाएगा हमारा 25 की 5 हासिल लग जाएगा हमारा दोस्तों 2। अब फिर जोड़ेंगे तो 2 1 2 और 2 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9, यानी कि फाइनली आ गया 957 बटे हो गया हमारा 36। अब 957 बटे 36 में कह रहा कौन सा विकल्प का वैल्यू जोड़ दिया जाए कि ये क्या हो, पूर्ण संख्या हो जाए। तो अगर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 बटे 12 को जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, 11 बटे 12 को भी जोड़ेंगे पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अगर हम यहाँ पे ये सी ऑप्शन को जोड़ दें, यहाँ पे देख लीजिएगा 957 में बटे हमारा 36 था, इसमें हमने जोड़ दिया कौन सा, यानी कि 5 बटे 12 जोड़ दिया, तो देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 36 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे 957 हमारा वही रहेगा, 12 3 36 3 आ जाएगा, प्लस का 5 3 15 हो जाएगा, जोड़ेंगे दोस्तों तो 7 5 हमारा हो जाएगा कितना, 12 के 2 हो जाएगा, 7 5 12 के 2, और 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, अपान का दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 36। अब दोस्तों इसको जब हम कट करेंगे, किससे कट करेंगे दोस्तों, कुल मिलाकर के 36 से इसको हम जब कट करेंगे तो 12 से अगर कट कर देते हैं तो 12 3 36 हो जाएगा, 12 7 24 12 8 96 12 8 96, 12 91 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा दोस्तों तुम्हारा आ जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 2, और यहाँ पे 21 3 7 21, फाइनली हमारा ये पूर्ण वर्ग बन गया, क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, क्या आ गया दोस्तों हमारा 27 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 7 बटे 12 योग करेंगे तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं बनेगा, अगर 11 बटे 12 भी करेंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगा, 13 बटे 12 करेंगे तो भी वैल्यू पूर्ण तरीके से कटेगा नहीं, कुछ हमारा पॉइंट में वैल्यू निकल करके आ गया, यानी कि 5 बटे 12 अगर जोड़ेंगे तो हमारा पूरी तरीके से कट के इतना वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 166 के बाद दोस्तों 167 नंबर, और 167 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 167 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहां पे आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन में कहा गया है, इनमें से हम ऑप्शन लेके हल कर लें तो कहीं ना कहीं हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो यहां पे कहा गया कि एक भिन्न का अंश जो होगा वो हर से 2 कम है, तो यानी कि देखिए यहां पे हर से 2 कम है अंश, यहां भी ये हर से 2 कम है हमारा अंश, यहां भी हर से 2 कम है हमारा अंश, और यहां भी हर से 2 कम है हमारा अंश, इतनी कंडीशन तो चारों विकल्पों में फॉलो हो रही है। और अगली जो कंडीशन यहां पे दोस्तों दी गई है, कहा गया कि यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है, तो यहां पे अगर हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, ऑप्शन ए में हमारा जो 5/7 दिया गया है, यहां पे कह रहा है यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है तो हमने 2 से गुणा कर दिया, हर को 3 से गुणा किया जाता है हर को 3 से गुणा कर दिया, तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है, तो प्राप्त भिन्न जो हो जाएगी वो 2/9 के बराबर हो जाएगी कह रहा है, तो 5 2 10 हो जाएगा और यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको कट करेंगे तो ये हमारा 2/9 के बराबर नहीं होगा, यानी कि देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट ए जो ए दिया गया है वो गलत हो जाएगा।
ऑप्शन बी देख लेते हैं। बी हमारा 3/5, हमने 3/5 लिख लिया और अंश में 2 से गुणा और हर में 3 से गुणा कर दिया और करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 15। 3 से कट करेंगे दोस्तों तो ये हमारा देख लीजिए, अगर चाहे यहाँ से भी कट कर सकते हैं, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। फाइनली आ गया 2/5 आ गया, हमको तो चाहिए 2/9 चाहिए, यहाँ पे तो आ रहा 2/5, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन हमारा दिया गया 7/9, हमने 7/9 लिख लिया, अंश में हमने 2 का मल्टीप्लाई और हर में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 7 × 2 = 14 हो जाएगा, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। दोस्तों अगर इसको हम कट करेंगे तो ये किसी से भी नहीं कटेगा, यानी कि देखा जाए तो हमारा 14/27 आता है लेकिन आना क्या चाहिए था 2/9, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन हमारा दिया गया 1/3 दिया गया है, अंश में 2 से मल्टीप्लाई हर में 3 से मल्टीप्लाई तो 2 × 1 = 2 और 3 × 3 = 9, 2/9 दोस्तों हमारा प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 167 के बाद दोस्तों, 168 नंबर, और यहां पे जो क्वेश्चन कहा गया कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, यदि अंश से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ पे कहा गया कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, दोस्तों अंश और हर का योग करेंगे तो 9 × 2 = 11 हो जाएगा, 8 × 3 = 11 हो जाएगा, 7 × 4 = 11 हो जाएगा, 6 × 5 = 11 हो जाएगा। पहली कंडीशन तो सभी विकल्पों में फॉलो हो रही है। अब कहा गया कि यदि अंश से 1 घटाया जाता है, अंश से अगर दोस्तों हम 1 घटा देंगे, यहाँ पे 2/9 दिया गया है, अंश से 1 घटाएंगे तो भिन्न हमको 1/4 प्राप्त होगी, तो यहाँ पे तो भिन्न हमको 1/9 प्राप्त हो रही है, यानी कि ये ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन हम बी नंबर देखते हैं। बी ऑप्शन में दिया गया 3/8, अगर हम 3 से 1 घटा देंगे तो हमको 2/8 मिल जाएगा और इसको कट करेंगे तो 1/4 मिल भी जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन से हमारा 1/4 के बराबर हो जाती है भिन्न, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 168 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 168 का क्या होगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों 169 नंबर क्वेश्चन, और यहां पे कहा गया है कि उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त मान 1/2 के बराबर हो। अब दोस्तों यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर, दोस्तों इसको भी आप विकल्प से भी कर सकते हैं, ऐसे बेस तरीके से भी कर सकते हैं। कह रहा उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर, तो मान लीजिए 1/2 में हमने वो भिन्न हमारी x है, हमने x जोड़ दिया तो हमको प्राप्त मान क्या हो जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है। हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2/1 हमने वैसे रख दिया और ये 1/2 इधर आएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1 और 2 कैल्शियम करेंगे 2 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, x बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, 3/2 ऑप्शन हमारा सी पे मौजूद है, इसलिए दोस्तों हमारा 169 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 170 नंबर, और 170 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, एक भिन्न का अंश जो होगा उसके हर से 2 कम है, यदि अंश में से 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/3 प्राप्त होता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अंश कहा क्वेश्चन में गया है कि एक भिन्न का जो अंश होगा उसके हर से 2 कम है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए हर 7 है, अंश 5 है, तो 2 कम है, अंश सही है। यहाँ पे तो बी हमारा पहले ही गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा 9 से 2 कम करेंगे तो हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर हम डी ऑप्शन देखेंगे तो डी भी हमारा क्या है, हर से अंश हमारा 2 कम नहीं है, ज्यादा कम है, दोस्तों ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बचा हमारा दोस्तों ए और सी, ए और सी में ही हमारा कोई एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है, तो ठीक है यहाँ पे राइट हो रहा है। फिर यदि अंश में 2 घटाया जाए, दोस्तों यहाँ पे 5/7 हमने वही लिख दिया, अंश में 2 घटाया जाए, यदि अंश में 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए, तो हर में हमने 2 जोड़ दिया। अब इसको देख लेते हैं तो कह रहा है तो भिन्न 1/3 प्राप्त होती है, तो 5 से 2 घटाएंगे दोस्तों हमारा 3 हो जाएगा और 7 × 2 = 9 हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो 1/3 बन जाएगा, तो भिन्न हमारी 1/3 प्राप्त भी हो जाएगी, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा 170 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 170 के बाद दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, 171 नंबर क्वेश्चन, और 171 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दोस्तों ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि 4/5% का मान इनमें से किस भिन्न के बराबर है, 4/5%, दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है 4/5% का मान करा किस भिन्न के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4/5
5%, तो यहाँ पे लिख दिया 4/5% का वैल्यू हटाना है, तो नीचे हमको क्या करना है, 100 का भाग दे देना है। अब अगर इसको हल करेंगे दोस्तों, तो 4 से ही हमारा 25 टाइम में कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 1/25 × 125, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 1/125 यानी कि 171 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 171 के बाद, दोस्तों हम लोग 172 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 172 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे 172 में दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/18 और 3/5 के बीच स्थित नहीं है। हमको ये बात बताना है कि इनमें से कौन सी भिन्न इनके बीच में स्थित नहीं है। दोस्तों आपको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, यानी कि 7/18 जो लिखा है, इस 7/18 में हम 18 का भाग जब 7 में देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0.39 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.39 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 3/5 का भाग हम देंगे तो 0.6 आ जाएगा। 0. कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 6 आ जाएगा। अब बारी बारी से हम एक एक ऑप्शन लेके हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, कौन सा ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन ले लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया 1/2, जिसका हो जाएगा 0.5। यही कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न इनके और इनके बीच में स्थित नहीं है। तो जब दोस्तों हम ए का वैल्यू निकाल लिया 0.5, इसको हम 0.50 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि इनके और इनके बीच में कौन सा वैल्यू हमारा इनके बीच में स्थित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 0.39 से 0.60 है, तो इसके बीच में तो हमारा 0.50 आता है, तो कहीं ना कहीं ये इसके बीच में स्थित है। इसने पूछा जो स्थित नहीं है वो बताना है, तो ये तो हमारा हो गया, गलत हो गया। अब हम ऑप्शन बी देखेंगे। बी ऑप्शन में दिया गया है 2/5, तो हमने 2/5 लिख लिया, और यहाँ पे हो गया 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 40। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 39 से 60 के बीच में ये भी हमारा 40 भी पड़ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। हमको वो बताना है जो इनके बीच में स्थित नहीं है। ये तो स्थित है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। अब अगला हम देखेंगे सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन हमारा दिया गया है 5/12 दिया गया है। दोस्तों जो 5/12 में जब हम इसका भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0. यहाँ पे हो गया 50, 12 × 4 = 48 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर बचा हमारा दोस्तों 2, 20 हो गया, 12 × 9 = 12 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिएगा 39 और 60 के बीच में हमारा 41 भी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा दोस्तों हमारा डी, और डी ही राइट होगा क्योंकि यही एक बच रहा है। देख लेते हैं, 1/3 हो जाएगा। इसको जब हम भाग देंगे 0.333 ऐसे ही आता रहेगा, तो कहीं ना कहीं देखें दोस्तों तो 0.39 और 0.60 के बीच में हमारा 33 नहीं आ रहा है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो 172 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 173 नंबर, और 173 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है। यदि अंश में से 2 घटाया जाता है और हर से 2 जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/5 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। करा एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है, हर से 5 कम है, तो 9 में जब दोस्तों 5 जोड़ेंगे, यानी कि जो भिन्न का अंश है इसके हर से 5 कम है, तो हर हमारा 11 है, 11 में अगर हम 5 कम करेंगे दोस्तों तो 6 आना चाहिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया पहली कंडीशन में। अब अगर इसमें 13 से दोस्तों जो हम 5 कम करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों तो ये तो गड़बड़ हो गया पहले ही, यानी कि इसने कह रहा अंश जो है इसके हर से 5 कम है, यहाँ पे 2 ही कम है, तो ये भी गलत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 7 से अगर हम यहाँ पे देखें 5, तो यानी कि 2 कम है, ये भी गलत हो गया। 13 से अगर हम दोस्तों यहाँ पे 5 कम करेंगे तो 8 मिल जाएगा, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो दोस्तों अब जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है और ये तीनों में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो और जो नीचे की कंडीशन बताया गया है कि अंश में 2 घटाया जाए और हर में 2 जोड़ा जाए तो हमको 2/5 प्राप्त होता है, तो जरूर दोस्तों यही कंडीशन फॉलो होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 173 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 173 के बाद दोस्तों 174 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है कि 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे हम देखें तो ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें 3 दोस्तों की बात कही गई है। अब हम 3 दोस्तों के यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन से हमारे 3 फ्रेंड हैं। सबसे पहला फ्रेंड यहाँ पे दोस्तों क्या बताया गया, तनवीर है, ये एक तनवीर हो गया। दूसरा दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया है यूसुफ दिया गया है, और अगला दिया गया है सचिन दिया गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिख दिया ये हमारा तनवीर हो गया,
फिर यहाँ पे हमारा ये यूसुफ हो गया, और फिर अगला हमारा दोस्तों यहाँ पे सचिन हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन जो हमारे ये तीन फ्रेंड हैं, इन तीनों फ्रेंडों को हम करते क्या है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसा हल करते हैं। क्वेश्चन में कहा है तीन दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, तो तनवीर पहले कहा गया है, यूसुफ बाद में कहा गया है, तो तनवीर के लिए ये हमारा 2 हो जाएगा, यूसुफ बाद में लिया गया है नाम, तो इसलिए इसके लिए 3 हो जाएगा। तो यूसुफ की जगह पे 3 रखते हैं और तनवीर के लिए हम 2 रखते हैं। फिर कहा है कि यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, यूसुफ ने जो था वो सचिन का 1/2 भुगतान किया, सचिन का कह रहा जो भी भुगतान होगा उसका 1/2 भुगतान किया, तो 1/2 भुगतान किया किसका दोस्तों, यूसुफ ने जो किया था, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। तो यूसुफ, अब पहले यहां पे दोस्तों देख लीजिए, यूसुफ कहा गया है बाद में सचिन कहा गया है, तो सचिन का यहां पे कितना वैल्यू बताया गया है 2, और यूसुफ के लिए कितना बताया गया है 3, और यहां पे यूसुफ का कितना है दोस्तों 1/3, यहां पे यूसुफ का 1 बताया गया है, यहां पे लेकिन यूसुफ का 3 है। तो जब दोस्तों ये 1 बराबर हमारा 2 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 6, तो यानी सचिन का यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हो सकता है दोस्तों आपको इस जगह बात समझ में ना आ रही हो, तो चलिए अगर आपको इस जगह पे बात ना समझ में आ रही, इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो मैंने ये वैल्यू निकाली है तनवीर यूसुफ और सचिन को, इसको मैं निकालने का और एक आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ। देख लीजिए कैसे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे टी से मान लीजिए ये तनवीर है, और यहाँ पे हमारे यू से यूसुफ, हमारा वाई से हमारे यूसुफ हो गए। इनका जो अनुपात बताया गया है 2/3, हमने 2/3 कर लिया, ठीक है। वापस से दोस्तों यहाँ पे कहा गया यूसुफ और सचिन कहा गया है, तो वाई अपान का एस, एस से हो गया सचिन, वाई से हो गया यूसुफ, इनका वैल्यू बताया गया है 1/2 बताया गया। इतनी बात आपको समझ में तो आई गई होगी, जैसा क्वेश्चन दिया था हमने वही रख लिया। अब अगर इसको हल करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा मैं इधर आपको इनका ये जो मैं निकाला हूं, इन्हीं का एवरेज निकालना है, जो मैंने ये निकाला है इन्हीं को निकालना आपको सिखा रहा हूं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, हम लिख सकते हैं टी अनुपात, यहां पे वाई लिख सकते हैं, टी अनुपात वाई जो हमारा दिया गया है 2/3 दिया गया है। अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये वाई अनुपात एस दिया है, तो वाई अनुपात हमने एस ले लिया, लिख लिया 1/2 लिख लिया। यहां से दोस्तों हम क्या करेंगे, इनका जब वैल्यू निकालेंगे हम सभी का, देख लीजिएगा, टी यानी कि हमारा कौन है, तनवीर है, वाई हमारा यूसुफ है, एस हमारा सचिन है। टी का निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, टी इनको यानी कि ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, टी टी हमारा क्या है, तनवीर, और अब यूसुफ का निकालने के लिए दोस्तों देखिए, वाई हमारा ऐसे कॉमन हो रहा ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा सचिन का निकालेंगे तो 2 × 3 = 6 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया दोस्तों। मिला लीजिएगा, देखिए तनवीर का 2, यहाँ पे देखिए तनवीर का 2, यूसुफ का दोस्तों 3, तो यूसुफ का दोस्तों हमने 3, सचिन का दोस्तों हमारा कितना 6, तो हमने सचिन का 6 लिखा है। अब हो सकता है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इतनी बात समझ में आ गई होगी, जो मैंने ये करके अभी आपको दिखाया, ये चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट कर दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, बाकी करना क्या है हमको। यहाँ पे कहा गया है यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है, यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भाग कितना है। तो यूसुफ द्वारा दोस्तों, यूसुफ हमारा कितना व्यय करता है, यानी कि यूसुफ द्वारा व्यय अगर हम निकालेंगे, यहां से देख लीजिएगा, यूसुफ का हम व्यय निकालना है, ये हमने लिख दिया व्यय, तो इनका सबको ऐड करेंगे तो 6 × 3 = 9 = 2 = 11, यानी कि यूसुफ का 3 हो जाएगा और 6 × 3 = 9 = 11, यानी कि 3/11 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 174 का देखा जाएगा दोस्तों। तो हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग 175 नंबर क्वेश्चन, और 175 नंबर क्वेश्चन पे ये दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया कि एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर में 5 मैच जीते और 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रा रहे, अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भिन्न है, हमको ये बात बताना है। अब दोस्तों एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में जीते मैच, यानी 5 मैच जीते, यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं जीते मैच, अगर हम लिख दें दोस्तों कितना है, यहाँ पे 5 है, टोटल 5 मैच क्या है जीते हैं, और वहां पे बताया 12 मैच हारे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हारे मैच कितने हैं दोस्तों 12 मैच हारे हैं, और ड्रा कितने मैच रहे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्रा मैच दोस्तों, ड्रा मैच कितने थे दोस्तों 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब अगर हम निकालें कि कुल मैच कितने थे, यहाँ पे
कुल मैच अगर हम लिखें तो कुल मैच कितने खेले होंगे उसने, अब इनको ऐड कर देते हैं यहाँ पे, 5 + 12 + 3, 12 × 5 = 17, 17 × 3 हमारा हो जाएगा 20, 12 × 5 = 17, 17 × 3 = 20। तो अब यहाँ पे तो टोटल मैच हमने 20 मैच खेले हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न, अब हारे मैच कितने थे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम निकाल लें हारे मैचों का भिन्न, यानी कि हारे मैचों का भिन्न अगर हम निकालें दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टोटल हारे मैच 12 है, टोटल मैच हमने कितने खेले हैं 20 खेले हैं, तो 2 × 6 = 12, 2 × 10 = 20। अब अगर इसको और भी कट करें तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, यानी कि 3/5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा कुल मिलाकर के 175 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 176 नंबर। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको किसी प्रकार कोई राय या सुझाव या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दोस्तों मुझे ये बात पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो और ये सीरीज हमारी कैसी लग रही है, और अगर आपको कोई सुझाव हो तो अभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देख लीजिए, मान लीजिए कोई भिन्न रही होगी, कोई भी अगर हम भिन्न मानते हैं तो ये कुल मिलाकर के कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हल कर लेते हैं दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम भिन्न देखें तो ये हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश को 80%, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं भिन्न हमारी कितनी रही होगी, x बटे y कोई भिन्न रही होगी, अगर इसके अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाए, तो जब दोस्तों इसको 80% घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा 20%, तो हमने यहाँ पे रख दिया 20%। अपान का नीचे यहाँ पे कह रहा 60% घटा दिया जाए तो बचेगा कितना हमारा 40%, हमने 40% रख दिया, तो भिन्न हमको कितनी प्राप्त हो जाएगी 5/6 प्राप्त हो जाएगी। अब 20% से ये 40% कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के हमको ये बात पता चली, 2 से अगर इसको और हम कट कर दें ये 3 टाइम में कट जाएगा, तो ये एक्स बटे वाई जो आ गया हमारा 5/3 आ गया, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 176 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 176 के बाद दोस्तों 177 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है, अंश में भी 3 जोड़ा जाता है और हर में भी 3 जोड़ा जाता है, तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है, यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 हो जाता है, उस भिन्न संख्या का मान ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हम विकल्प से हल करेंगे इसको। मान लीजिए हमने पहला विकल्प ले लिया 7/8 ले लिया, तो कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने 3 यहाँ भी जोड़ दिया और 3 यहाँ भी जोड़ दिया, तो देखते हैं कह रहा तो भिन्न हमको क्या मिल जाएगी 10/11 मिल जाएगी, 7 × 3 = 10, 8 × 3 = 11 दोस्तों जोड़ दिया हमने, 7 × 3 = 10, 8 × 3 = 11 दोस्तों देख लीजिएगा ये बिल्कुल हमारा इतना मिल भी रहा 10/11, ये तो ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन इसी में देख लेते हैं, करा यदि अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाए, तो अब अगली कंडीशन जो 7/8 था, अंश से हमने 4 घटा दिया और हर से भी हमने 4 घटा दिया, तो भिन्न का मान कह रहा है 3/4 हो जाएगा, तो 7 से 4 घटाएंगे दोस्तों 3, 8 से 4 घटाएंगे तो 4, यानी कि 3/4 भी हो रहा है, यानी कि ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा ए ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, और हम लोग बिना सोचे समझे यानी कि ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 178 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर 1/5 है, अन्य संख्या क्या है, कह रहा 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर,
तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है 3/8, हमने 3/8 मान लिया, करा उससे छोटी अन्य संख्या। अब मान लीजिए 3/8 से कोई एक संख्या छोटी रही होगी जिनका अंतर, तो दोस्तों मान लीजिए कि वो संख्या रही होगी हमारी x रही होगी, तो हमने अंतर कर दिया x, तो हमको अंतर क्या मिल जाता है 1/5 प्राप्त हो जाता है, तो हमने 1/5 लिख दिया। अन्य संख्या क्या है, यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 3/8 और यहाँ पे 1/5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर हमने x रख दिया। 8 और 5 का एलसीएम करेंगे दोस्तों तो हमें हमारा 40 हो जाएगा, 8 × 5 = 40, तो 5 × 3 हमारा हो जाएगा 15, अब 5 × 8 = 40, तो 8 × 9 हो जाएगा 8 दोस्तों, बराबर हमारा हो जाएगा x। तो 15 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, यानी कि 5 × 2 = 7 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 40, यही हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों देखें तो 7/40 हमारा सी पे मौजूद है, यानी कि 178 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 179 नंबर क्वेश्चन। 179 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक भिन्न का हर इसके अंत से 5 अधिक है, भिन्न का जो हर है इसके अंश से 5 अधिक है। दोस्तों अंश 3 है, फिर आगे देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, फिर आगे कहा गया कि यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए और हर को 3 से, तो परिणामित भिन्न 1/2 होती है, तो मूल भिन्न क्या है, हमको ये बात बतानी है। तो मान लीजिएगा दोस्तों हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी विकल्प से हल करते हैं। मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन ले लिया, कह रहा एक भिन्न का हर जो है इसके अंश से 5 अधिक है, पहली कंडीशन देखते हैं किसमें किसमें फॉलो हो रही है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए 3/8, यानी कि 3 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 5 × 3 = 8 मिल जाएगा, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। 2 में 5 ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 4 में दोस्तों यहाँ पे हम 5 ऐड कर देंगे तो हमको 9 मिल जाएगा। 1 में दोस्तों हम 5 ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ पे 6 मिल जाएगा। सभी में पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। कह रहा है यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए, अब दोस्तों यहाँ पे 3/8 लिखा है, अंश को 4 से गुणा किया जाए, हर को हमने 3 से कर दिया। अब अगर देखें दोस्तों 4 × 9 = 4, 4 × 2 = 8 और 3 से 3 कट गया, तो फाइनली 1/2 आ गया। कह भी रहा परिणामित भिन्न हमको 1/2 होती है, तो बात सही है दोस्तों 1/2 हो रही है, तो मूल भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 180, यानी कि 180 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है। कहा गया कि जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4 सही 1/4 प्राप्त होता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, अगर हम इसको ऑप्शन से भी करेंगे तब भी आ जाएगा, अगर ऑप्शन से नहीं करेंगे इसको बेस तरीके से भी कर लेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं धनात्मक भिन्न संख्या हमारी x रही होगी, इसके वर्ग में हमने कितना 2 जोड़ दिया, तो मान 4 सही 1/4 हो जाता है या प्राप्त हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगी, बस इसको हल कर लीजिए दोस्तों। x² = 4 × 16 एक 17/4 हो जाएगा, 17/4 और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2/1 हो जाएगा। फाइनली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस का 4 × 9 = 4, यानी कि कुल मिलाकर के 4 × 2 = 8 ये 8 आ जाएगा। 17 से 8 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9/4 आ जाएगा, यानी कि 9/4 हमारा क्या बन गया, ये x² = हमारा 9/4 बन गया। मूल भिन्न हमको ज्ञात करनी है, तो अगर हम इस दोस्तों को इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें हम कर क्या, मतलब दोस्तों अगर मूल भिन्न निकालने के लिए कहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो x² आ जाएगा, ये 9 हमारा 3 का होता है स्क्वायर और 4 हमारा 2 का होता है। अब इसका भाग करेंगे तो 2 × 9 = 2, यानी कि 1 सही 1/2 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 180 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग 181 नंबर, और 181 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी संख्या का 5/12, 3/4 है, किसी संख्या का 5/12, 3/4 है, संख्या कितनी होगी। मान लीजिए संख्या एक्स का 5/12 कितना है हमारा, 3/4 है, तो दोस्तों कह रहा संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों देख लीजिए 4 × 9 = 4, 4 × 3 = 12,
तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x ये हमारा हो जाएगा 5x अपान का 3 बराबर यहाँ पे 3 बटे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगा x बराबर हमारा 9 बटे 5 हो जाएगा, 9 बटे 5 हो गया यही। अब 9 बटे 5 में सही बटे में दिया तो इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं x बराबर 5 × 5 और 1 सही 4/5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों? 1 सही 4/5, 5 × 5 5 × 4 9/5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 182 नंबर, और 182 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन भिन्न संख्याओं का योग 5 है। तीन भिन्न संख्याओं का योग दोस्तों कितना है? 5 है। उनमें से एक 1 सही 1/2 है, जबकि अन्य दो के बीच अंतर 3/4 है। तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी कौन सी है, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, दो ऑप्शन क्वेश्चन को रखने में गलती हो गई होगी। दोस्तों देख लेते हैं क्या वैल्यू आएगा, या तो इन्हीं ऑप्शनों में से आ जाएगा या फिर कोई दूसरा ऑप्शन आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कहा गया तीन भिन्न संख्याओं का योग 5 है, तो उनमें से कह रहा एक भिन्न संख्या हमारी 1 सही 1/2 है, जबकि अन्य दो के बीच का अंतर 3/4 है, 3/4 है, तो ठीक है 3/4 कर देंगे। तीनों भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ये बात हमको बतानी है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, माना तीन भिन्न संख्याएं जो दी गई हैं, उन तीन भिन्न संख्याओं में एक भिन्न संख्या का मान पता है। तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं, माना दो भिन्न संख्याएं एक x है और एक y है, तो कह रहा तीन भिन्न संख्याओं का योग, तो अब दोस्तों योग कर लेते हैं x प्लस y प्लस ये हमारा 1 सही 1/2 बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस y बराबर ये हो जाएगा 5/1 माइनस का 2 × 2 = 3/2 हो जाएगा, 2 × 2 = 3, 3/2 कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हमारा यहाँ पे 5 × 2 = 10 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हमारा 2 हो जाएगा, 7 10 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो 7/2 हमारा 2 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा हमारा x प्लस y की वैल्यू आ जाएगा, x प्लस y की वैल्यू हमारा आ गया 7/2, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह लिया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे कह रहा है जबकि अन्य दो के बीच अंतर, यानी अन्य दो के बीच का अंतर यानी कि x माइनस y जो दिया है वो 3/4 दिया गया, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न हमको बतानी है, तो अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लिया जाए। समीकरण 1 हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिएगा x प्लस y बराबर 7/2, और यहाँ पे दिया गया है ये x माइनस y बराबर 3/4। अब इनको अगर हल करेंगे तो ये y से y हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x बराबर आ जाएगा हमारा 7/2 माइनस का 3/4। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको हम यानी क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे प्लस होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे 4, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14 प्लस का 3, और यहाँ पे हमारा 2x ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब दोस्तों 14 × 3 = 17 हो जाएगा, 17/2 हमारा 4, इधर 2x अपान का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो हमारा ये आ जाएगा x की वैल्यू 17/4 × 8 हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा x की वैल्यू निकल आया। अब इसी x का मान हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो वहां से हमारा y का मान निकल आएगा। x का मान दोस्तों यहाँ पे हम रखेंगे 17/ हम रख दिया 8, अब प्लस का हमारा y बराबर दिया गया है 7/2। y का मान निकालने के लिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 7/2 माइनस का यहाँ पे 17/8, तो 8 हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, 2 × 4 = 8 तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 17 हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों y। अब दोस्तों क्या करेंगे, y बराबर 8 से 7 घटाएंगे 1, 2 से 1 घटाएंगे 1, यानी कि 11/8 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा एक भिन्न हमारी कितनी बनी, 17/8 बनी, दूसरी भिन्न हमारी 11/8 बनी, और तीसरी भिन्न हमारी क्या थी दोस्तों, मान लीजिए तीसरी भिन्न यहाँ पे दिया गया था 1 सही 1/2, अगर इसको हल करेंगे 2 × 2 = 3, 3/2 बना था, ये क्या है हमारी थर्ड भिन्न है दोस्तों, क्या है हमारी तीसरी भिन्न दिया गया, ठीक है ना, ये समीकरण थे, ये हमारी तीसरी भिन्न है, ठीक है।
अब यहाँ पे थर्ड जो भिन्न हमारी दोस्तों चल रही है ये, अब इसमें हम क्या करें, दो हर बराबर करने के लिए यहाँ पे हमने चार का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हमने चार का मल्टीप्लाई किया दोस्तों, चार ते बारह हो जाएगा, चार दूना आठ हो जाएगा, ये तो हमारी थर्ड भिन्न बन गई 12/8। अब आपको बताना है कि तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सभी के हर बराबर है, आठ यहाँ भी, आठ यहाँ भी, आठ यहाँ भी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा 17 है, तो 17/8 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें, 17/8 को अगर हल करेंगे तो इसको हम क्या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं, 17/8 को लिखेंगे 8 × 16 और 1/8, 2 सही 1/8 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 182 के बाद दोस्तों 183 नंबर, और 183 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा है कि 1/5 − 2√3 का विभाजक ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसका हमको विभाजक निकालने के लिए आपको पता होगा इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, यानी कि 1/5 − 2√3 जो दिया गया है इसका जब हम परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदल करके परिमेयकरण किया जाता है दोस्तों, अगर प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं दोस्तों, माइनस था तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे सेम वही संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल करके दोस्तों कर दिया। अब इसका पूरे का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 + 2√3 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा बटे, इन दोनों का जब आपस में स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस का 2 × 2 = 4 = 12 हो जाएगा, 2 × 2 = 12 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये आगे आ जाएगा हमारा 5 + 2√3 अपान का दोस्तों हमारा 25 से जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 आ जाएगा, बस यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा मैच कर रहा, 5 + 2√3 अपान का 13, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 183 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 183 के बाद दोस्तों, हम लोग 184 नंबर देखेंगे, और 184 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि 208 सही 4/8 लंबाई की एक छड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, एक प्रकार से देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है 208 सही 4/5 का लंबाई की एक छड़ है, इसको हमको 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़े काटना है, जिसका मतलब दोस्तों भाग करना है हमको, 23 सही 1/5 का इसमें भाग करना है। अगर इसको हल किया जाए दोस्तों तो हमारा ये आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 8 = 40 हो जाएगा, और 5 × 2 = 10 हो जाएगा, प्लस का दोस्तों यहाँ पे हम 4 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 4, यहाँ पे 0 = 1044 आ जाएगा, कुल मिला के ये बनेगा 1044/5, और यहाँ पे दोस्तों भाग का चिन्ह लगा, भाग का चिन्ह लगा दिया, और 23 × 5, अब यानी कि हम 23 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 = 11, 115 में फिर दोस्तों क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो 116 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 116/5 हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है जब इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो क्या होता है, गुणा का चिन्ह बनाते हैं, संख्या को उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 116। अब इसको अगर हम कट करें तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 4 से कट जाएगा दोस्तों, 5 से 5 कट गया, 4 से ये कटेगा, 4 × 2 = 8 बचा दोस्तों हमारा 3, 4 × 9 = 36 हो जाएगा, यहाँ पे कट करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 × 2 = 4 × 6 = 24। अब दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा 36/29 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि कुल मिलाकर के अभी भी और ये क्या कटेगा, तो दोस्तों अगर कट रहा हो तो और भी हम इसको कट करेंगे, यानी कि अभी इतना हमारा जो बनेगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा दोस्तों गलती ये कर रहे हैं, हाँ दोस्तों देख लीजिए गलती ये हो रही है, यहाँ पे 144 हमने लिख दिया, बल्कि हमको हमारा वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे देख लीजिए हमारा वैल्यू आया है 1044 आया है, हमने केवल 144 लिख दिया था, यही गलती हो रही थी दोस्तों, तो यहाँ पे इसको कट करिए और आगे फिर से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया था हमारा 1044 आया है दोस्तों, हमने 4 से कट किया था तो 4 × 2 = 8 = 4 × 9 = 36, इसको फिर वापस से 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 2 = 8 = 2 = 4 × 6 = 24 और फिर 4 × 1 = 4 261 आ जाएगा। अब ये कुल मिला के 261/29 हो जाएगा।
अब 261 को दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितनी बार में कट जाएगा, 29 से हमारा 261 9 टाइम में कट जाएगा, तो यही 9 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 184 के बाद दोस्तों 185 नंबर, और 185 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 56 सही 1/5 की लंबाई की स्टील राड से बीस सही 3/26 लंबाई की राड में काटा जाता है, तो स्टील राड की कितनी लंबाई शेष है, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन इसको भी कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 56 सही 1/5 हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 20 सही 3/26 हो जाएगा, ये लिख दिया। अब दोस्तों 56 सही 1/5 जब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 281/5 आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड 26 और 20 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिलाकर के हमारा 26 और 20 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा बचेगा 20 सही 3/ यहाँ पे आ जाएगा 523/26 बन जाएगा। हमने लिख दिया दोस्तों 523 बटे कितना बचा हमारा 26 बचा। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा क्या गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कितनी लंबाई की स्टील राड से इतनी लंबाई की राड में काटा जाता है, तो स्टील राड की कितनी लंबाई शेष बचेगी, दोस्तों कितनी लंबाई शेष बचेगी, तो कहीं ना कहीं इसको हमको क्या करना, भाग ना देकर के क्या करना, घटाना है दोस्तों इस क्वेश्चन को। क्या किया जाएगा, हम इससे इस पहले वाले से दूसरे वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, घटाएंगे, तो देखते हैं दोस्तों इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो हमारा 25 और यहाँ पे 5 का एलसीएम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 130 आ जाएगा। 5 का भाग जब हम दोस्तों 130 में देंगे तो ये जो हमारा जो भी आएगा उसका जब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 281 में तो ये वैल्यू बन जाएगा हमारा 7306 बन जाएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा 7306। 26 का भाग जब इसमें हम करेंगे जो आएगा दोस्तों उसका जब हम 523 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2615 आ जाएगा। तो अब दोस्तों इसको जब इससे घटाएंगे तो कुल मिलाकर के ये जो आ जाएगा 4691/ हमारा 130 हो जाएगा, 4691/130। अब 130 का जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36 सही 11/130 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपका किसी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप मुझे अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 185 के बाद दोस्तों 186 नंबर क्वेश्चन, और 186 नंबर क्वेश्चन में दिया है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दिया गया 186 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को हल करने में मजा आएगा। देखते हैं दोस्तों कैसे इसको करना है। किसी ईंट के भार का 3/4, मान लीजिए कोई ईंट का भार 3/4 है, वो 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम के बराबर हो, ये कह रहा है इतने केजी के बराबर हो, तो अगर यहां से हम निकालें कि एक भार बराबर हो निकालें तो यहाँ पे हमारा 7/8 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा बटे में आएगा, तो बटे में संख्याएं पलट जाएंगे तो 4/3 बन जाएगा इतने केजी। हमको निकालना है दोस्तों 5/7 का, तो दोस्तों 5/7 का हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 5/7 का हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/7 भार का अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 4 से हमारा 2 टाइम में कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 5/6 किलोग्राम बन जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 186 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कहा है कि तपन रवि और त्रिषा ने एक केक आपस में बांटा, तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिषा के पास इसका 2/3 भाग था और शेष रवि के पास था, रवि के पास केक का कितना भाग था। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना, कितना ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मेन क्वेश्चन में कहा है कि एक केक, तीन मित्र हैं दोस्तों और तीनों मित्र जो हैं उनको केक बांटा गया है। अब तीनों मित्रों में पहले
जो मित्र हैं उनको 1/4 भाग दिया गया है, दूसरे मित्र को 2/3 भाग दिया गया है, तो इन दोनों को जोड़ करके हम 1 से घटा दें तो हमारा रवि का भाग निकल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, 1/4 और ये 2/3 को ऐड करें तो हमारा 12 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो कुल मिला के 8 × 3 = 11/12 हो जाएगा। इस 11/12 को हम 1 से जब माइनस करेंगे, ये हमने 1 से माइनस कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 एलसीएम और यहाँ पे हमारा 12 − 11 अर्थात 1/12 आया। यही हमारा रवि का हिस्सा हो गया। अब दोस्तों ये जो हमारा आया ये किसका हिस्सा है, ये हमारा रवि का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा 187 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 187 के बाद दोस्तों हम लोग 188 नंबर और 188 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ दिया गया है। कहा गया है कि यदि 60/75 के समतुल 4/x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, 60/75 के समतुल्य 4/x है तो x का वैल्यू निकालना है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम 4 से इसको कट करेंगे, 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, 15 आ जाएगा, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, तो x बराबर हमारा दोस्तों फाइनली कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 188 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन में 17/8/2018 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे 189 नंबर और 189 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। कहा गया है कि 200 ग्राम और 200 ग्राम फिर 1 kg का कितना भाग है, करा ये 200 ग्राम जो है 1 kg का कितना भाग है। तो 200 ग्राम हम क्या करेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे ऊपर और यहाँ पे 1 kg को लिखेंगे यहाँ पे हम, ये 1000 किलोग्राम करा कितना भाग है, तो यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कट कर देंगे, 2 × 2 = 2, 5 = 10, फाइनली 1/5 भाग है, 1/5 भाग हमारा 200 ग्राम है हमारा 1 kg का। तो कुल मिला के 1/5 यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 189 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 190 नंबर और 190 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शून्य के निकटतम है, शून्य के निकटतम संख्या कौन सी है, यहाँ पे हमको ये बात बतानी है। यहाँ पे देखा जाएगा तो 1 − 0.09 का होल स्क्वायर, यहाँ भी हमारा ये हो गया 1 − 0.09 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे 1 माइनस पूरे का होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पे 0.09 का केवल होल स्क्वायर लगा है और इतना हमारा ये लिखा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के अगर हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कर लें दोस्तों यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि शून्य के निकटतम क्या है। यहाँ पे अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो ये जो 0.09 लिखा है मल्टीप्लाई 0.09 तो 9 × 9 = 81 हो जाएगा और 4 अंक बाद दशमलव हम लगाएंगे, 2 अंक 2 अंक 4 अंक, यानी कि इतना बन जाएगा, कितना बनेगा दोस्तों हमारा 0.0081 बन जाएगा। और अगला अगर हम देखें दोस्तों इसी प्रकार बी को सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा निम्नलिखित से कौन सी संख्या शून्य के निकटतम है, तो शून्य के निकटतम दोस्तों हमारी संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। अब अगर हम पहले को अगर पहले ऑप्शन हल करेंगे तो देखते हैं मैं आपको पहला हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए ए ऑप्शन सॉल्व किया तो 1.01 − 0.09 का होल स्क्वायर जो लिखा है, हम जब इसको घटाएंगे दोस्तों तो ये या नहीं इसको घटाएंगे क्या, इसको सूत्र में विस्तार करेंगे तो 1 का स्क्वायर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 1 आएगा और इसका स्क्वायर जब करेंगे दोस्तों हमारा बन जाएगा 9 × 9 = 81 और हमारा 2 × 2 = 4 अंकों बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा माइनस का यहाँ पे 2ab 2 × 2 = 2 हो जाएगा, 2 × 9 = 18 हो जाएगा, तो 0.18 हो जाएगा। तो अब इनको सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.8281 बन जाएगा। तो अब ऐसे ही दोस्तों हम बी को सॉल्व कर लें तो बी में हमारा दिया गया है 1 − 0.09 को जब हल करेंगे तो 9 × 9 = 81 और हमारा यहाँ पे 4 × 0 हो जाएगा। जब 1 से दोस्तों इसको घटाएंगे यानी कुल मिलाकर के जब इसको 1 से घटाएंगे तो ये वैल्यू जो हमारा आ जाएगा 0.9919 हो जाएगा। अब अगला इसी प्रकार दोस्तों हम सी को देखें तो सी हमारा जो दिया गया है 0.009 दिया गया है और डी का जो हमने यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए हमने इसको डी को सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। तो कह रहा है
कौन सी संख्या शून्य के निकटतम है। अब दोस्तों अगर पहला वाला देखें तो ये शून्य से बहुत दूर है, अब दूसरा वाला देखें तो ये भी हमारा शून्य से एक प्रकार से दूर ही है। यहाँ पे देखेंगे तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखिएगा यहाँ पे आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 81 में अगर हम कितना ऐड कर दें दोस्तों, यानी कि 81 में 19 केवल ऐड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही शून्य के निकटतम, यानी कि यहाँ पे हमारा 19 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर शून्य के निकटतम संख्या हमारी कौन सी है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी हमारा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 191 नंबर क्वेश्चन, और 191 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से कौन सी भिन्न 3/4 और 6/7 के बीच आएगी। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग हल कर चुके हैं, 3/4 दिया गया है, तो सबसे पहले इधर हम करेंगे 3/4 का भाग करेंगे तो 0.4728 4 × 5 = 20 हमारा 0.75 हो गया। फिर अगला हमारा दिया गया है 6/7 दिया गया है, तो 7 का भाग दोस्तों जब हम करेंगे यहाँ पे 6 में तो यहाँ पे आ जाएगा 0.857 आ जाएगा, 0.857 बन जाएगा। अब ए ऑप्शन को अगर लेके हल करते हैं तो 11/ हमारा 9 हो जाएगा, जब 11/9 यानी 9 का भाग जब हम करेंगे तो 9 × 9 = 9, 9 × 2 = 9, 9 × 2 = 18 यानी कि इतना आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा बी ऑप्शन लेके अगर हम हल करें तो यहाँ पे हमारा 9/10 दिया गया है, ये बन जाएगा 0.9 बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों हमारा 0.9 बन जाएगा। बी के बाद दोस्तों अगर हम सी देखेंगे तो 5/ हमारा जो 9 दिया गया है इसमें जब भाग करेंगे 5/9 में तो 0.5 और 5 बन जाएगा। डी ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा दिया गया है 9/11, तो 11 का भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1188 11 × 9 = 11 फिर 11/88 समथिंग इतना बन जाएगा। तो ये बताना है हमको कुल मिलाकर के 0.75 और 0.85 यानी कि इनके बीच में कौन सा आएगा। दोस्तों ये 1.22 है तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, 0. इसको हम 90 रख देंगे, 75 और 85 के बीच में ये भी गलत हो जाएगा, 75 और 85 के बीच में दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये डी ही ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा दोस्तों, यानी कि ये भी पीछे हो जाएगा, ये बनेगा डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 9/11 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे कहा गया कि यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थी में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है, हमको ये बात बतानी है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी विद्यालय में टोटल कितने बच्चे हैं बताया गया, 100 विद्यार्थी हैं जिनमें से 58 लड़के हैं, तो कह रहा तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। दोस्तों लड़कों की संख्या निहित, इसलिए 58 हम क्या कर देंगे 100, तो ये बन जाएगा 0.58 बन जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 192 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 193 नंबर, और 193 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए। इसके अंश और हर का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन में यह कहा 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग, तो 0.36 लिख लेंगे। अब पॉइंट को हटाया, हमने एक बनाया, आगे 00 बना दिया। अब दोस्तों अगर इसको हम कट करेंगे तो 4 से कट करेंगे तो 4 × 9 = 36 हो जाएगा, 4 × 25 = 100 आ जाएगा, यानी कि फाइनली 9/25 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया था, अंश और हर का योग ज्ञात करना है, तो दोस्तों ये हमारा 9 प्लस क्या हो जाएगा 25, तो हमारा 25 × 5 = 34 हो जाएगा। इनका योग दोनों को कितना आ जाएगा दोस्तों, अंश और हर का 34 हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए पे। तो 193 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 194 नंबर, और 194 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है, भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है, भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है, भिन्न का हर ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम कोई भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न हमारी कितनी है, x/y है। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा वैसा काम कर लेते हैं, कह रहा किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो हमने अंश में 6 जोड़ दिया, भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है, भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता तो भिन्न हमारी x/y थी, और यहाँ पे इसका मान 3/4 बढ़ जाता तो हमने 3/4 इसमें जोड़ दिया। भिन्न का हर ज्ञात कीजिए, अब भिन्न का दोस्तों को क्या निकालना है, हर ज्ञात करना है।
तो यहाँ पे ऐसा करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा x प्लस सिक्स अपान का वाई माइनस का यहाँ पे x बटे वाई जो दिया गया है बराबर हमारा 3/4 दिया गया है। y y हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये x प्लस सिक्स यहाँ पे माइनस का x और बराबर हमारा 3/4 हो जाएगा। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा हमारा 6/y बराबर 3/4 हो जाएगा। अब दोस्तों कुल मिलाकर के 3 से इसको कट करेंगे 2 टाइम में कट जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4 × 2 = 8 आ जाएगा। हमको यही बताना था, कह रहा है भिन्न का हर ज्ञात कीजिए, हर हमारा y था दोस्तों यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना आ गया 8, तो 8 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 194 का देखा जाए तो a के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 194 के बाद दोस्तों 195 नंबर, और 195 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्या हो सकती है, हमको ये बात बतानी है। दोस्तों आपको बता दूं, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि 0.225 से मतलब कोई भी पॉइंट में वैल्यू दी जाए और कहा जाए दूसरी पॉइंट में वैल्यू दी जाए, कह दिया जाए कि इनके बीच में कितनी दशमलव संख्या हो सकती है, तो अनंत दशमलव संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 195 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 196 नंबर क्वेश्चन, और 196 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 1.44 के 1/0.24 का मान क्या होगा, हमको ये यहाँ पे बात बतानी है। 1.4 के 1/0.24 का मान क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमको ये बात बताना है। तो 1.44 दिया था के, तो के का मतलब दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई अपान 1/0.24। दोस्तों देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने पॉइंट काटा और नीचे 1 बनाया और डबल 0 बना दिया, यहाँ पे पॉइंट काटा ऊपर हमारे 2 0 बन जाएंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसको कैसे करना है, तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा कटेगा तो ये 100 से ये 100 हमारा कट जाएगा, 4 के टेबल से कट करेंगे तो 4 × 6 = 24 आ जाएगा, और या फिर दोस्तों हमारा इसको हम 12 से कट कर देते हैं, सीधा 12 × 2 = 24 हो जाएगा, यहाँ भी 12 × 12 = 24, और फिर दोस्तों हमारा 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो फाइनली जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 6 ऑप्शन मौजूद है दोस्तों हमारा 196 का डी में, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 196 के बाद दोस्तों 197 नंबर, और 197 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। अब कह रहा है केवल 2 बनाई जा सकती हैं, केवल 3 बनाई जा सकती हैं, अनंत बनाई जा सकती हैं, केवल 1 बनाई जा सकती हैं। इसने कहा किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती हैं, तो दोस्तों अनंत समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती हैं, यानी कि 197 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 197 के बाद दोस्तों 198 नंबर, और 198 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 80% की वृद्धि, तो कोई भिन्न रही होगी, अगर उस भिन्न में हम दोस्तों क्या कर दें यहाँ पे अंश में 50% की वृद्धि करेंगे तो 150 हो जाएगा, हर में 80% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे 180 हो जाएगा, 0 से 0 कट करेंगे, और इसको अगर 3 से कट कर दें दोस्तों तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग हो जाएगा दोस्तों, तो वो हमारा 5/6 भाग हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन हमारा 198 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 199 नंबर में दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या होगा, हमको यहाँ पे ये बात बतानी है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, कहा गया किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, माना हमने दोस्तों यहाँ पे अंश हमने मान लिया x मान लिया और यहाँ पे हमने हर मान लिया y मान लिया। अब क्वेश्चन में कहा है किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, तो अंश और हर का योग हमने दोस्तों कर दिया 13। अब कह रहा अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है,
तो अंश में दोस्तों कह रहा तीन जोड़ने पे, तो हमने अंश में तीन जोड़ दिया। हर में नौ जोड़ने पर, हर हमारा वाई है तो इसमें हमने नौ जोड़ दिया, तो भिन्न का मान हमारा दो बटे तीन हो जाता है। अब दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा तीन एक्स प्लस का तीन त्रिका नौ, यहाँ पे आ जाएगा टू वाई प्लस का दो नहीं अठारह हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों टू वाई हमारा इधर आएगा माइनस में, थ्री एक्स माइनस का टू वाई हो जाएगा, नौ इधर आगे घटेगा तो हमारा केवल नौ ही बचेगा। ये इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर समीकरण एक में हम दो का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा टू एक्स माइनस का नहीं, यहाँ पे प्लस का ही टू वाई रहेगा और तेरह दूना छब्बीस हो जाएगा। ये समीकरण एक था, हमने समीकरण एक में दो का मल्टीप्लाई करके है ये बना लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 3x माइनस का 2y और यहाँ पे हमारा 9 दिया गया, ये समीकरण हमारा 2 दिया गया है। हमको क्या करना है, मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पे 2y कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 5x हो जाएगा और 26 × 4 = 30 + 5 = 35 हो जाएगा। यानी कि x का मान आ जाएगा 5 × 7 = 35 = 7 आ जाएगा। हमको y का मान निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण एक में रख देंगे x का मान, तो 13 - 7 हो जाएगा। देन हमारा दोस्तों y का मान कितना आ जाएगा, 13 से जब हम 7 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा 3 × 3 = 6 आ जाएगा। y का मान हमारा 6 आ गया। अब कह रहा है अंश और हर का गुणनफल, तो यानी कि x और y का गुणनफल हमारा 7 × 6, तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 42, यानी कि बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन, और 200 नंबर क्वेश्चन पे हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में देखते हैं, और यहाँ पे क्या कहा गया है, कहा गया कि पांच दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, चार को केक का क्रमशः हिस्सा 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है, केक का कितना हिस्सा पांचवें दोस्त को मिला। दोस्तों जब इस प्रकार दिया गया है, इसका मतलब पांचों दोस्तों के हिस्से को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बाद में एक से घटा देंगे। 1/8 प्लस का 1/6 प्लस का यहाँ पे 5/12 प्लस का दोस्तों 1/12, हमने पूरे का एलसीएम अगर ले लिया तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 24। यहाँ पे हमने 24 एलसीएम ले लिया, तो 8 × 3 = 24, तो यहाँ पे 3 आ गया, 6 × 4 = 24, 3 आ गया, 12 × 2 = 24, तो 5 × 2 = 10 हो गया, 12 × 2 = 24, तो 2 × 1 = 9, 2 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो 4 × 3 = 7, 7 × 10 = 7, 17, 17 × 2 हमारा हो जाएगा 19/ हो गया हमारा 24 हो गया। अब इस 19/24 को हम क्या करेंगे, एक से घटा देंगे 19/24 को, तो यहाँ पे जो हमारा 24 एलसीएम आ जाएगा, जो यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस का यहाँ पे हो गया हमारा 19 हो गया। 24 से 19 घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 5/24 आ जाएगा। यानी कि पांचवें दोस्त को जो हमारा मिला, ये हमारा पांचवा दोस्त को मिलेगा, पांचवा मित्र है हमारा, उसको इतना भाग मिलेगा, कितना 5/24 भाग मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 200 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 201 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 2/3 और दिया गया 4/6 और दूसरी संख्या दी गई 6/9 है। ये तीन संख्याएं दी गई हैं, तीन भिन्न दी गई हैं, 2/3, 4/6 और 6/9। कह रहा है इनमें से ये भिन्न, ये संख्या भिन्न वाली जो संख्याएं दी गई हैं, ये कौन सी भिन्न संख्याएं हैं, विषम भिन्न संख्याएं हैं, अलघुगणकरणीय भिन्न संख्याएं हैं, अलघुकरणीय भिन्न है, या समतुल्य भिन्न है, या फिर दोस्तों तुल्य भिन्न है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 2/3 जो हमारा दिया गया, इसका भाग करेंगे तो 0.18, फिर बचा 2 × 18, यानी कि ऐसे ही आता रहेगा। तो इसका मतलब हम 6 में क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, यानी कि इसको हम जो फाइनल लिखेंगे 0.6 का बार लिख देंगे। ऐसे दोस्तों हमारा जो 4/6 दिया गया है, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 हमारा ये आएगा, तो यहाँ भी हम 0.6 का बार लिख देंगे। फिर दोस्तों अगर आगे हम हल करेंगे तो 6/9 जो दिया गया है, इस 6/9 को भी हल करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यहाँ भी हमारा फाइनली 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ भी 0.6 का बार आ जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों हमारा, ये समतुल्य भिन्न है। क्या है दोस्तों, ये सभी जो तीनों भिन्न दी गई हैं, ये तीनों समतुल्य, यानी कि सभी समान
समान और यानी समान समतुल्य के मतलब दोस्तों सा से समान और तुल्य से मतलब बराबर, समान यानी बराबर हैं, तीनों बराबर हैं तो इसको क्या बोलेंगे, समतुल्य भिन्न बोलेंगे। यानी कि 201 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 202 नंबर। और दोस्तों आज के सीरीज का और आज के हमारा चैप्टर का यानी दशमलव भिन्न का या आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, यानी कि दोस्तों इसके बाद हम लोग दूसरा कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं 202 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सानिया के खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 जीते, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, उसने टोटल 27 मैच खेले हैं, 18 मैच जीते हैं, तो हम क्या करेंगे 27 से 18 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल निकल आएगा यहाँ पे हारे गए मैचों की संख्या। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हारे गए मैच यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम घटाएं तो ये बचेगा हमारा कितना, 7 2 9 बच जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि मतलब कहा गया कि हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। हारे गए मैचों की संख्या 9 है, टोटल मैच हमारे कितने खेले गए थे 27, तो 9 9 9 9 3 27 यानी कि जो हमारा 1/3 वैल्यू बना तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 3 9 3 3 9 3 3 9 यानी कि ऐसे ही हमारा 3 3 आता रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो और साथ में हमारी जो सीरीज चल रही है बेहद ही पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो या सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का किसी भी पार्ट यानी कि थोड़ा सा भी पार्ट पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का सुझाव या राय या कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।